नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही हम लोग फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, जो एंट्री कहां पर लेना है, एग्जिट कहां पर करना है, अगर आप एग्जिट कर रहे हैं, मार्केट आपको एग्जिट करा रहा है, तो दोबारा एंट्री कैसे लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 22,000 का कॉल का एक चार्ट लगाया हुआ है 8 फरवरी का। तो ये मार्केट आज को ओपन हुआ है, देखिए फर्स्ट कैंडल ही ब्लू टाइप का बन रहा है, तो ब्लू कैंडल का मतलब ही है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और आपको कोई सिग्नल बनने के लिए वेट कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना है, जैसे कैंडल खत्म होगा नेक्स्ट कैंडल पे आपको कॉल पॉपअप हो जाएगा। जैसे देखिए बाइंग वैल्यू दिखा रहा है 131.95 का आसपास बाय का कॉल दिया। अब देखिए कॉल तो मिल गया, क्वेश्चन है जो क्या कॉल सही है, इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कॉल बहुत सारा बनता है, हर एक कॉल अचीव नहीं होता है, कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। ऑप्शन बाइंग जितना प्रॉफिटेबल है उससे काफी गुना ज्यादा रिस्की भी है, तो एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को बहुत कुछ देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जिस तीन कंडीशन को देखना है, बाइंग का टाइम, नीचे का जो रिबन है उसका कलर क्या है, बाय का कॉल का पहले कोई ग्रीन स्टार बना है कि नहीं, और नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है उसका कलर ग्रीन हुआ है कि नहीं, और ये व्हाइट का ऊपर है ये। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होता है तभी जाकर आप इस कॉल में ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नॉट। तो देखिए यहाँ पर तीनों का तीनों पैरामीटर मैच था, मतलब कंडीशन का हिसाब से ये एक परफेक्ट कॉल है, आप यहाँ पर एंट्री ले लीजिए। देखिए ऑप्शन में हम लोग टारगेट के बारे में उतना सोचते नहीं है क्योंकि टारगेट बोल के कोई चीज नहीं है। आप 130 132 में एंट्री लेके, देखिए अभी 152 चल रहा है, मतलब 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। अब ऑप्शन बायर्स के लिए जो निफ्टी बाय करता है उसके लिए 20 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो लोग सोचता है जो 20 पॉइंट बहुत अच्छा मिल गया है तुरंत निकल जाते हैं। बट मैं बोलूंगा यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट कभी कभार उससे भी ज्यादा प्रॉफिट देके जाता है। तो वो आप वेट कब तक कर सकते हैं, जब तक आपको सॉफ्टवेयर एग्जिट नहीं देता है। एग्जिट के लिए नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए अभी आप 30 पॉइंट प्रॉफिट में है, नीचे में जो ब्रिक्स इंडिकेटर है वो अभी भी ग्रीन में चल रहा है, और जब तक ये ग्रीन से चेंज नहीं होगा, जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसका कलर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो दोनों लाइन आपस में क्रॉस ओवर होके इसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी एक संकेत है। तो आप इतना दूर तक मैक्सिमम वेट कर सकते हैं और उसका बाद करेंगे, इसका बाद आपको रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, देखिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ के नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, इसका मतलब यही है जो ये सेलिंग की तरफ अभी जाने वाला है, बट आपको वेट करना है फ्रेश कॉल के लिए। सपोज यहाँ पर सेलिंग का कॉल फ्रेशली बन गया है, अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये सेल का कॉल सही है, इसमें ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। पहला बाय का कॉल में 20 पॉइंट प्रॉफिट लेके मैं आराम से निकल गया, सेकंड सेल का कॉल में वही सेम कंडीशन, नीचे का डेमोन रेड है, ब्रेक सबका फेवर में है, बट यहाँ पर देखिए कोई स्टार बना नहीं है। तो जब तक स्टार नहीं बनेगा आपको वेट करना है, और स्टार यहाँ पर बना नहीं, फाइनली मार्केट रिवर्स होकर दोबारा बाय का कॉल दे दिया। अभी जो बाय का कॉल है, देखिए नीचे का डेमोन दोबारा ग्रीन हो गया, इस बाय का कॉल में दोबारा ग्रीन स्टार बनेगा नहीं। बहुत बंदा सोचता है जो स्टार के लिए वेट करता है और वो वेट ही कर जाता है। बेसिकली याद रखिएगा, अगर ऑलरेडी ग्रीन स्टार चल रहा है, मिडिल में कोई रेड स्टार है नहीं, तो दोबारा ग्रीन स्टार देगा नहीं। आपको जस्ट वेट करना चाहिए ब्रिक्स दोबारा कब व्हाइट का ऊपर जाए। जैसे ब्रिक्स व्हाइट को तोड़ के ऊपर का तरह मूवमेंट करना शुरू करेगा, अब दोबारा यहां पर री एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप इस कैंडल पे भी ट्रेड लेते हैं, इस टाइम 180 का आसपास वैल्यू था, 180 से लेके यहाँ पर मार्केट 264, मतलब 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट आप दोबारा यहाँ पर बना सकते थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और हम लोग का सॉफ्टवेयर में ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए एग्जिट, इतना दूर तक ब्रिज का कलर ग्रीन था और उसका बाद ये ब्लू हो गया। ब्लू होने का मतलब ये है, ये आपका संकेत है जो शायद यहाँ से चेंज होने वाला है। तो अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिए तो और यहाँ पर रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। फाइनली देखिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ दिया है, इसका मतलब है मार्केट अब नीचे जाने वाला है, सेलिंग का कॉल बन गया। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टार बना है, तो ये स्टार का साथ सिग्नल इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलिंग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसी जगह पे ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करके भी पैसा बना सकते हैं। अल्टीमेट देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर गया, यहाँ पर भी आपको वही ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को फॉलो करना है,
जब तक ब्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे यहां पर आपको दिखाई देगा ब्रिक्स का कलर चेंज हो गया, नीचे का जो ये जो दोनों लाइन का क्रॉसओवर है वो भी कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया, तो आप यहाँ पर अपना पोजिशन को स्क्वायर अप कीजिएगा। तो ये एक परफॉर्मेंस है जहां पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो कहां पर ट्रेड बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, आपको देखने में सुविधा होगा। ये देखिए, ये फुल डे का परफॉर्मेंस है। यहां पर मैंने एंट्री लिया था, यहां से 20 पॉइंट लेके निकला, मार्केट थोड़ा सा फंसाया, फिर दोबारा एंट्री दिया, यहां पर 60 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, यहां पर मार्केट गिरा, तो यहां पर कॉल ऑप्शन गिरा, तो पुट ऑप्शन में बाय करना है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। तो इस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर आपको काम करा रहा है। लाइव मार्केट में आपको इसी स्ट्रैटेजी को जस्ट फॉलो करना है। देखिए, ये जो दोनों लाइन क्रॉसओवर हो गया है, इसका हिसाब से यहां पर निकलना चाहिए। अदरवाइज अगर आप वेट करना चाहते हैं ब्रिक्स के लिए, मैक्सिमम इतना वेट कर सकते हैं। ग्रीन यहीं पर हो गया, तो इसका मतलब है यहां पर ही आपको इंडिकेट कर रहा है यहां से पोजीशन चेंज होगा। तो यहां पर हर एक इंडिकेटर का कुछ ना कुछ रोल है। अगर आप लाइव मार्केट में सही से इसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी ऐसे मिलेगा। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या हम लोग का थ्रू जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलेक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। और अगर मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉमेंट जरूर कीजिए, ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसको इसका बेनिफिट के बारे में पता चले। और इस मार्केट रिगार्डिंग अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी मिलेगा, चैनल को ओपन कीजिए, काफी सारा वीडियो है, दो चार वीडियो और देखिए, काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो एंट्री एंड एग्जिट को परफेक्ट बनाइए, टारगेट के ऊपर उतना फोकस करने का जरूरत नहीं है। थैंक यू।